हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज का वीडियो एक लाइव ब्रोशर का प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूँ डिजाइन क्राउड से, और यहाँ से आप ब्रोशर बनाना सीख सकते हैं लाइव, जो कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं ब्रीफ, मैं ये पढ़ लिया हूँ आराम से। ये थोड़ा वीडियो फास्ट है, अगर आप इसे स्लो करके देखेंगे तो स्लो करके देख सकते हैं। ये 4 गुना फास्ट है, इसका मतलब 0.25 पे कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी। ये सब क्लाइंट ने फोटो दे रखे हैं जो कि उसको ब्रोशर में लगानी है। ये उसने एक स्ट्रक्चर बना के दे रखा है कि इस तरह का मेरा ब्रोशर चाहिए, मिडिल में क्या आएगा, फ्रंट में, बैक में, कहाँ पे क्या आएगा, उसने पूरा दे रखा है। तो काफ़ी अच्छे से इसने क्लाइंट ने ब्रीफ दे रखा है। काफ़ी बार क्लाइंट ये सब कुछ नहीं बताता, केवल साइट का नाम दे देगा, वहाँ से डाटा कॉपी करके ले लो, ऐसे बोल देता है। तो मैं एक टेम्पलेट निकाल लूँ अपनी ये फ्री ग्राफिक जो साइट है, यहाँ से एक ब्रोशर का टेम्पलेट कोई भी निकाल लेता हूँ कि हमारा काफ़ी ईजी से बन जाएगा। आप भी इस साइट से कोई भी टेम्पलेट यहाँ से निकाल सकते हैं ब्रोशर का। तो ये सब मैंने ही बनाया है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो कॉपी करके वहाँ से फिर उसमें एडिटिंग करके आप इजी से आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको साइज दोबारा से नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको दोबारा से बनाएंगे तो सारे साइज लेने पड़ेंगे, बॉक्सेज लेने पड़ेंगे, गाइडलाइन, मार्जिन, पूरा आपको सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। उसमें कम से कम आपको 15-20 मिनट, आधा एक घंटे भी लग सकता है। तो इसका आपको फ़ायदा होगा अगर आप टेम्पलेट निकाल लेते हैं मेरी साइट से, या कहीं से भी अगर आपको कोरल सीडीआर की टेम्पलेट मिल जाती है। तो ये जो क्लाइंट का लोगो है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और ये लोगो से हम इसका कलर चेंज कर देंगे, और जो इमेज क्लाइंट ने दे रखा है वहाँ से हम इमेज को इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये मैंने क्लाइंट का जो ड्राफ्ट था, जो आर्टवर्क था, वहाँ पर मैंने साइड में रख लिया। उससे मैं देख रहा हूँ क्या क्या उसने कहाँ पे डाटा डालना है, तो ये डाटा मैं डाल रहा हूँ। इसमें दो लैंग्वेज में इसने दिया है, एक पुर्तगाली या सोन कोई सी लैंग्वेज आई है उस लैंग्वेज में, और दूसरी एक इंग्लिश में है। तो एक साइड इंग्लिश है, एक साइड उसकी लोकल लैंग्वेज जो होती है वो है। तो इसने जो लिखा हुआ है वहाँ से वर्ड से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर डालता जाऊँगा, और जो इमेज दिया है इमेज रिप्लेस करके इसकी इमेज जो मुझे अच्छी लगेगी, इसने 5-6 इमेज दे रखी है, तो यहाँ से मैं इस इमेज को कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा जो सूट करेगा। तो बहुत ही सिंपल है ब्रोशर, ऐसे देखने में लगता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नहीं बनेगा। काफ़ी लोगों में ट्राई करते हैं कि ब्रोशर हम नहीं बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारा टाइम ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे से अगर बनाना चालू करते हैं तो अगर आप 1.5-2 घंटे लगाएंगे तो एक ब्रोशर आपका बन जाएगा। वैसे ये 40-45 मिनट की वीडियो है, 40-45 मिनट में मैंने ये बनाया है। तो इसको आप अगर आप स्लो करके देखना चाहते हैं तो इसको स्लो कर लेना, और आवाज़ को म्यूट कर देना, तो आवाज़ में ए करके आएगी, आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो ये मैं डाटा क्लाइंट का यहाँ पर डाल रहा हूँ, जो कॉन्टेक्ट डिटेल है। तो इसको फिर आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, जैसे साइज वाइज, फॉन्ट ऊपर नीचे, जैसा आपको चाहिए। अब जैसे क्लाइंट ने फ़ोन नंबर नीचे दे रखा है, फ़ोन भी लिख रखा है, तो मैं यहाँ से फ़ोन हटा रहा हूँ, और वहाँ से ये डाटा जो है नीचे में रख दिया हूँ। तो ये है इसका डाटा, 2 लैंग्वेज में है। तो इसने काफ़ी दे रखा है पूरा डिटेल से, तो यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है और इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ये सब पुराना डाटा है, तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। अभी किसी प्रोजेक्ट का डिजाइन क्राउड का है, बहुत पहले कभी बनाया था मैंने, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप शुरू से बना सकते हैं, शुरू से कैसे बनाना है, साइज़ कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, जहाँ से आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से ब्रोशर की साइज़ कैसे लेंगे, मार्जिन कैसे लेंगे, ब्लीडिंग कैसे लेंगे, और सेंटर लाइन करने के लिए टॉप में कहाँ से कैसे सेट करेंगे। तो ये सारी एक वीडियो बना रखी है, इसलिए मैंने ये उसका सेकेंड पार्ट कर सकते हैं, या थोड़ा एडवांस वीडियो है कि कैसे कैसे हम डाटा को सेट करते हैं। तो डाटा को सेट करना आपके ऊपर है, क्लाइंट केवल ड्राफ्ट दे रखा है कौन सी फ़ोटो कहाँ पर लगानी है, क्रॉप करके लगानी है, कटआउट करके लगानी है, कि कैसे लगानी है, यह आपके ऊपर है। कई बार फ़ोटो को हमें कटआउट भी करना पड़ता है, कई बार PNG मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कटआउट करना पड़ेगा। कितनी बड़ी करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी, क्रॉप करनी पड़ेगी, सारा कुछ आपको अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ये है, ये फोटो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, इसने जो दे रखा है फोटो।
ये इसका है चाइल्ड डेंटल बेनिफिट स्कीम जो लिखा हुआ है। तो इसकी हेडिंग हो गई, यहाँ पे नीचे का जो डाटा इसने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से मैं कॉपी करके इसमें डाल रहा हूँ। तो ये जो एक एक जो टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ इसकी डिटेलिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ही बेसिक लेवल का हो जाता है। तो कैसे क्या यूज कर रहा हूँ आप, ये अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप समझ सकते हैं कौन सा टूल किसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सेंटर कर रहा हूँ, टॉप कर रहा हूँ और उसको ब्रेक कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ये सब अगर जानना है तो बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल आप देखें किसी भी कोरल ड्रॉ की, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं अपने आप ही कि कौन सा टूल यूज हो रहा है, कौन सा कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है अपने अनुसार, आप सेटिंग के अनुसार कलर मैंने चेंज कर रखा है, तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। तो जो बताना था मैंने इसमें बता दिया है। तो आप इसमें केवल डाटा कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, सेटिंग कर रहा हूँ, तो अपने अनुसार अब ये सेटिंग का काम रह गया, तो मुझे मेरे पास भूलने के लिए कुछ है नहीं। तो आप म्यूजिक ऐप में चलाता हूँ, आप सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।